इजरायली सेना ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की बेरूत में हुए अटैक में मौत हो गई है और उसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ, हिजबुल्लाह का गेम ओवर। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल ने दावा किया कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह था। उसके बाद जो तस्वीर आई उसमें लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल गया। इसराइल की एयर स्ट्राइक में बेरूत में 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं और फिर वो दावा आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसराइल ने दावा किया कि उसके हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। जिस वक्त बेरूत पर हमला हुआ उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। यूनाइटेड नेशन में उनके स्पीच के 1 घंटे बाद ही इसराइल ने बेरूत में मिसाइलें दाग दी। हमलों को लेकर इसराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने हिजबुल्लाह के उस इमारत को निशाना बनाया जहां एंटी शिप मिसाइलें रखी थी और इसी इमारत में नसरल्लाह के होने का भी दावा किया गया। इसराइल की जिस मिसाइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया वो एक घनी आबादी वाला इलाका था। उसके आसपास गैस स्टेशन, पुलिस स्टेशन और स्कूल चर्च थे। लेकिन इसराइल ने दावा किया कि उसकी मिसाइल ने ठीक उस इमारत को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह के हथियार और मिसाइलें रखी थी और इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने का भी दावा किया गया। इसराइल की तरफ से ये भी दावा किया गया कि जहां हमला किया गया वहां हिजबुल्लाह के टॉप अधिकारी मीटिंग करते थे और इसके बाद ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से संपर्क नहीं होने का भी दावा सामने आया। हमास में तबाही के बाद इसराइल का पूरा फोकस अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर शिफ्ट हो गया है क्योंकि हमास पे इसराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ठिकानों पर कई बड़े हमले किए गए और उसके बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया, जबकि नेतन्याहू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसकी जंग अब नहीं रुकने वाली है। और नेतन्याहू की इस चेतावनी की तस्वीर अब लेबनान के हर शहर में दिखने लगी है। शुक्रवार और शनिवार की रात जिस तरह से बेरूत में इसराइल ने हमला किया उसके बाद लेबनान में चारों तरफ तबाही मची हुई है, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले नहीं रुके हैं। मतलब साफ है कि अभी जंग और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है।